ये चुन्नी में चुन्नी में परफ्यूम लगावे और ये वही दिखाता हूँ आपको, सबसे अच्छी मेरी अलमारियाँ बनी है। इतना स्पेस तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि बनने से पहले ये बहुत ही बेकार था रूम। बेकार का मतलब बनने से पहले से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। और होली खेल चुके हैं, होली खेलने के बाद खूब होली खेली, उसके बाद नहा धो के अब सब तैयार हुए हैं और पेट में लग रही है भूख, तो उस भूख का इंतजाम देखो ये हो रहा है। सर जी, हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि परिवार के साथ बहुत अच्छे से होली मन रही है, सब नहा लिए हैं, रंग वंग सबके छूट गए, कुछ हो के छूट गए, कुछ के नहीं छूटे, मेरे नहीं छूटे हैं। मैडम जी के चेहरे पर थोड़ा रंग है, थोड़ा राजा हनी, मेरे तो जहाँ पे मूछ होती है ना वहाँ पे थोड़ा कहीं गले वाले पर। और हाँ, और नहा लिए, अच्छा सा लग रहा, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है और भूख भी लगी है छोटी छोटी। और मैडम ने सब नाश्ता खाना सब इंतजाम कर रखा पहले से ही, मैडम ने रायता बना दिया, इतना टेस्टी हींग का तड़का लगा हुआ है। और और जो इसे किसने लाके दी थी, छुप रही है ये बंदर। देखो कहाँ छिपी है, नई ड्रेस पहनी है जो इसको नहीं, काव्या की मौसी ने, अरे छिप गई वो जाके। और मैडम ने स्पेशल दही बड़े बनाए हैं, अभी हालांकि मैंने खाए नहीं है, चेक करूंगा, खा के बताएंगे सर जी। सर जी, तो पकौड़े इतनी अच्छी बनाई थी, खाते खाते पेट भर गया, मन नहीं भर रहा, गर्मा गर्म थी और इतनी टेस्टी थी, हालांकि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, पर बहुत दिनों बाद खाई तो अच्छी लगी, बनी भी बहुत अच्छी थी। अरे तो बहुत टेस्टी है भाई, दही भी बिल्कुल खट्टी नहीं है, मीठी दही है। हाँ बेटी देखो, अभी देखो ये क्या है बनाया थी, कावे पापड़ खा रही है, पापड़। और ये जो बड़े हैं इसके, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, और वास्तव में भूखो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सुबह ही बना दिए थे मैंने दही बड़े, लेकिन पेट में इन सब के जगह नहीं थी तो इसलिए खाए नहीं थे, और अब दिए हैं खाने को, तो अब सब बैठ के खा रहे हैं। और आज तो फ्रेंड्स, जो सर जी ने अपना रूम तैयार कराया है, आज नाश्ते के बाद वही देखने चलेंगे हम सर जी के साथ, ठीक है सर जी? जी। तैयार हो गया सर जी का रूम, बस केवल एक दो कमी रही है, थोड़ी छोटी अभी कमी है, थोड़ी थोड़ी पर्दे। आओ नाश्ता पानी सब हो गया है ना, हो गया पेट फुल। दही बड़े कैसे लगे राजा? अच्छे। और तुम्हें भाई साहब? मैंने खाया ना, मैंने चाय पी। हाँ, तो चल रहे हैं हम ऊपर रूम देखने अब, और आप सबको भी दिखाते हैं, काव्या को भी ले लो भाई, चलो। ये सबसे आगे काव्या, और गिर जाएगी, काव्या रुको 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 रुको, हमारे साथ हमारे साथ, भाग गई, आ जाओ, चलो चलो चलो। अभी तो सारा पेंट वेंट ऐसे ही पड़ा, गेट खोलो राजा। सर जी, अरे आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। सर जी अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, अंधेरा सा इसलिए हो रहा कि अभी लाइट वाइट नहीं जलाई है, कमरा आपके लिए तैयार कर दिया मैडम जी ये। हाँ, आप कह रही थी ना, आपकी बड़ी शिकायत थी कि हमारे लिए कोई ठीक सा कमरा नहीं है, ये है वो है, तो मैंने आपके लिए, तो मेरी शिकायत दूर की है। मैं आइए, देखो मैंने कुछ बनाया है आपके लिए, इतने दिनों से काम चल रहा था। ये आइए सबसे पहले, ये मैंने अपने लिए एक छोटा सा रूम बनवाया है जिसमें हम सब आ सकते हैं, काफी बड़ा है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कराया है। ये राजा ने सारी लाइट जला दी है जी। काव्या अच्छा है, ये काव्या के लिए, और मैंने अपने बाबू को कार्टून देखने के लिए, और यूट्यूब पर मेरी बेटी वीडियो बनाती है उसके लिए मैंने इतनी बड़ी एलईडी लगाई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें काव्या की वीडियो भी चलती है बाबू, और मैंने आपकी वजह से, आपकी वीडियो की वजह से वाईफाई भी लगाया है। आप बैठो और देखो, आपके लिए पापा ने नए सोफे खरीदे हैं, कैसे हैं? क्या कार्टून चलेंगे? देखो पापा ने कमरा
पापा ने सब चीज नहीं लगाई है। पापा ने गर्मियों में एसी लगाया है गर्मियों के लिए और पंखे लगाए हैं नए। देखो मैंने सब चीज साफ करा दिया है। रूम की तो सफाई हो गई है सर जी, लेकिन बाहर अभी सब गंदा ही पड़ा। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। सर जी कूड़ा बता रही है काव्या, थोड़ा बहुत तो अभी सफाई चल रही है तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही। ये नीलम काव्या 19 पहले ये वाला रूम है इस वाली वीडियो में। जी सर जी दिखाइए, बैठिए आप बैठ के देखिए। ओहो सुंदर लाइटें लगवाई है मैंने। ये तो काव्या आ गई। हमारे यहाँ पे दो कमरे थे ये, और यहाँ थी एक दीवार बीच में जो बीच में से हटवा दी गई है, और ये काफी बड़ा सा रूम तैयार हो गया है और इसमें काम रुका हुआ है। ये सीलिंग वाली छत बन रही है तो ये अभी गीली है और ये अभी सूखी नहीं है, इसीलिए इसका काम बाकी है। और ये अलमारी तो हमारी पहले से बनी हुई थी इस वाले रूम में, और इधर जो अलमारी बनी हुई थी उसको हटा दिया गया है वहां से, और एक बहुत बड़ी सी अलमारी हमारी पीछे गैलरी में निकल जाएगी अब इसमें, और ये काफी बड़ा सा रूम तैयार हो जाएगा। और ये इधर हमारा स्टोर तो, और एक रूम ये। तो सर जी कितने दिन हो गए काम चलवाते हुए? ये जो सारी दीवारें हैं इन पे टाइल्स लगी हुई थी जो सब हट चुकी हैं, और हमारे घर में इतना फैला हुआ है सब, ऊपर का तो सब समझ लो मतलब की कबाड़ ही हो चुका है इस टाइम फिलहाल। बहुत अच्छा होने से पहले बहुत बेकार हो रहा है। और ये सब टाइल्स वायर्स लगी थी यहाँ पे भी वो सब हटा दी गई है, और यहाँ से पूरी ग्रिल हटा दी गई है। अब सभी बच्चे स्टॉप कर दो इसे, देख लिया अब लाइट जला दो भाई, अंधेरे में रख दिया। राजा लाइट ऑन करो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि बनने से पहले ये बहुत ही बेकार था रूम, बेकार का मतलब बनने से पहले सब टूट फूट हुई थी तो बेकार ही था। और अभी अभी सर जी मेरे यूट्यूब पे चैनल होने से ये तो फायदा है, आपने पहले का भी देख लिया कि कैसा था। जी सब मैं तो देखते रहता हूँ आपका चैनल, जैसा कि मुझे पता है। हम लोग साथ नहीं रहते तो यही सब देखते रहते हैं। और ये सर जी ने नए सोफे मंगाए हैं ना सर जी, और ये वही दीवार है और ये वही सीलिंग वाली छत है जो मैंने आपको दिखाई थी फ्रेंड्स। और ये वही मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे अच्छी मेरी अलमारियां बनी है, इतना स्पेस है। सर जी आइडिया किसका था? हाँ था तो आपका ही। और मैंने इसमें ये अलमारी स्पेशल ले ली हुई है। हाँ, और बहुत सुना आ जाएगा। अभी इसमें बैड कपड़े ज्यादातर मैंने, ये इस अलमारी की जो गहराई है वो काफी ज्यादा है, और इसमें अभी इतना सामान आ जाएगा आप देख सकते हैं, 4 फीट की गहराई है इसके, और इतना स्पेस है इसके अंदर, अलमारी के अंदर अलमारियां बनी हुई है, कई सारे पार्ट्स बने हैं इसमें, सेल्फ डाले गए हैं। फटो बेटा फोटो। तो ये थी हमारी अलमारी का डिजाइन, और ये 2 सीटर सोफा आया है, और ये 3 सीटर राजा साहब आराम कर रहे हैं। इस तरीके की बनवाई है मैंने, रेडीमेड जो आती है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खुद अपनी पसंद से बनाई है। काव्या आराम कर रही है, और सर ये एसी भी लग गया है इस वाली विंडो में। मैंने पैनल मैडम जी की पसंद का लगवाया था, मैडम ने सेलेक्ट करी थी। हाँ। मैंने फोटो भेजे थे कि बताओ कौन सी लगवाओ, मैडम नई वाली बताई, तो मैंने यही बता दी। साहब बहुत अच्छी अलमारी बनी है, और नया कमरा है तो मैंने नए सोफे भी खरीदे हैं, मतलब बनवाए हैं स्पेशल, खरीदे नहीं है रेडीमेड नहीं है, खुद बनवाए हैं। और ये भी मैंने, ये नीचे इधर की जो अलमारियां थी सब काम, ये जगह जो थी ये सब कामयाब कर दिए हैं। ये नहीं साहब, इसमें मैडम कह रही थी कि मेरे बुकों की लाइब्रेरी बनाओ, अब मैडम की इच्छा है कुछ भी रख सकती हैं, बुक रख सकती हैं, अपने कपड़े रख सकती हैं, चूड़ियां श्रृंगार कॉस्मेटिक सब चीजें सब बनवा दी। मेरा श्रृंगार मेरा कॉस्मेटिक मेरी बुक घुस गई। सर जी को ये आइडिया भी मैंने ही दिया था कि नीचे का पार्ट खाली है तो सर जी कुछ अलमारी हमारे पास रखी है वो लगा दो। अभी हालांकि ऊपर का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं नीचे काम कराऊंगा। अभी हम पुराना
पार्ट देख रहे हैं, देखो पुराना कैसा था सर जी, ये देखो सब इतना टूट फूट। और ये जो बोर्ड है यहाँ पे, इसकी जगह हमारा वाईफाई लगा है अभी तो। हाँ, हम ये चाहते थे कि हम सब साथ रहें, जब भी दीदी आए, जब भी मेरे घर से कोई आए, तो ये रूम इतना बड़ा है, काफी बड़ा है, कि हम सब इसमें साथ सो सकते हैं, साथ रह सकते हैं और साथ डांस भी कर सकते हैं, सब खूब नाचो कूदो। और ये लाइट रात ही लगी है, ये देखो। अरे वो तो मैं हटा दूंगी कॉपी। ये जो राजा है ना, ये मुझे हमेशा कॉपीराइट से डर आता रहता है, हमेशा। चुन्नी वाला चलाओ भी कावे। 4K न्यू सॉन्ग्स। चुन्नी वाला चला दूं। झूमे जो पठान ये लगा दूं। झूमे जो पठान, हाँ। नहीं। हाँ। जब से सोफे आए राजा का ध्यान इन सोफों में ही है। सोफे बहुत अच्छा। इसको जो कपड़ा है वो बहुत सॉफ्ट है। देखो मैम, मेरा वीडियो देखो। इतनी फोन के चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में।
पसीने आ रहे, पहले ही थकान इतनी हो रही है क्योंकि पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, और ऊपर से यह सर जी का रूम देखने आए हैं तो सर जी ने कहा हम गाना चलाएंगे, डांस करो, तो सब कर रहे हैं डांस। चटक मटक चला दे भाई, चटक मटक है सर जी। और सर आपका नीचे हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ही ऐसा मतलब जो हम चेंज कराना चाहते हैं, लेकिन ये रूम हमने सिर्फ इसीलिए तैयार कराया है क्योंकि दीदी हमारी आती हैं, बच्चे आते हैं ना, तो हम सब अलग अलग रहते हैं, मेरे घर से भी आते हैं सब, सभी अलग अलग रहते हैं, तो अब हम अलग नहीं रहेंगे, अब हम सब साथ रहेंगे, साथ सोएंगे और जितनी बातें करनी है उतनी करेंगे और खूब नाचेंगे कूदेंगे, मतलब जब भी एक दो दिन के लिए मिले तो लाइफ को एंजॉय करेंगे बहुत अच्छे से, वो खाएंगे वो पिएंगे। और कह रहे पता सब इतने अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि सब एक साथ हो सके, बहुत ही कम मौके होते हैं ऐसे जब हम सब साथ होते हैं, तो कम से कम साथ रहें और साथ एंजॉय करें, यही है लाइफ में, और मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बनने से पहले भी दिखाया था, मतलब जो बन रहा था तब भी पूरा दिखा दिया था और बनने के बाद भी दिखा दिया है, थोड़ी बहुत कमी है जो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये रूम हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है और अब ठीक है सबके लिए। सर जी के बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं इस रूम को बनवाने में, और अभी नीचे भी थोड़ा सा काम करेंगे वो मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगी, क्योंकि हमारी जो रसोई है ना वो थोड़ी छोटी है और मम्मी को दिक्कत होती है खाना बनाने में जब हम नहीं रहते यहाँ पे, तब तो उसको हम ऐसा करा देंगे मॉडिफाई कि मम्मी को भी दिक्कत ना हो और मुझे भी नहीं ना। इसमें इतने इतने विभाग चला लिए सर जी ने, बहुत सारे ही अच्छी लगती है, अच्छा बहुत अच्छी लगती है जब उसको रिपीट कर करके देखते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, जैसा भी है ये रूम मैंने आपको दिखा चुकी है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी होली दोस्तों। रात के बज रहे 9:45 और जब शाम के टाइम 4:30 सब खा पी के थोड़ा नाश्ता पानी करके ये कह रहे हैं अब हम कुछ नहीं खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, और 9:00 सबको लग गई भूख। मैडम ने हालांकि इंतजाम कर रखा था कचौरी बनाने का, और मैडम ने जल्दी से तैयारी करके और गर्मा गर्म कचौरी बनाने लग रही हैं, और कचौरी भी क्या है तो बड़ी बड़ी हैं, परांठे बनने हैं तो पूरे परांठे गर्मा गर्म। और हेलो प्रियंत, देखो ये क्या कर रही है रात को 10:00 ये मूंछ बना ली आटे की, क्या बना ली? मूंछ बना ली आटे की, वेरी गुड। और कुछ